बात सुनी, ये लेके जाइएगा। अरे अब ये किसको देनी है? एक तो मिठाई ऐसे बांटी जा रही है जैसे बकरीद में गोश्त बटता है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अगर किसी एक के घर भी नहीं गई ना खानदान में, तो बातें बनाएंगे सब लोग। ये एक नुसरत बाजी के घर दे दीजिएगा और एक आपा के घर देते हुए जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम शौकत भाई। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा खुदा हाफिज़। बैठो ना। वैसे शाइस्ता बाजी, आपने मुझे बताया भी नहीं और अकेले अकेले मिठाई खाई जा रही है। मैंने तुम्हारे घर भिजवानी थी, लेकिन पहले सोचा जरा खानदान वालों के यहाँ भिजवा दूँ। तुम तो पड़ोस में ही रहती हो, मैं देने आ जाऊंगी तुम्हें किसी वक्त भी। मुझे जैसे ही पता चला ना, मैंने सोचा सबसे पहले आपको मुबारकबाद देकर आऊं। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। उरूज कहाँ है? तुम बैठो, मैं बुलाकर लाती। वैसे मुझे आपसे गिला है, आप तो कहती हैं कि कुलसुम तुम मेरी छोटी बहन हो और तारीख में मुझे बुलाया तक नहीं। यकीन करो कुलसुम, मैंने ना किसी को भी नहीं बुलाया तारीख पर, सिर्फ अम्मी अब्बू आए थे। अब शादी पर ना सबको बुलाऊंगी इंशाल्लाह। जरूर लो आगे मेरी प्यारी सी दुल्हन उरूज, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक? एक तो आपको हर बात कैसे पता चल जाती है? पूरे महल्ले की रिपोर्ट रखती हूँ मैं। तुम्हारी अम्मी ने मुझे नहीं बताया तो क्या हुआ? लेकिन शाइस्ता बाजी, अब मैं उरूज की हर तकरीब में आऊंगी। माइयों, मेहंदी, शादी, वलीमा, सब में सबसे आगे आगे मैं ही होंगी। हाँ, लेकिन बारात में तो उन लोगों ने बहुत कम लोगों को बुलाया है, आपका आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सुन रही हैं आप क्या कह रही है ये? अरे भाई मजाक कर रही है, तुमने हर फंक्शन में आना है। तुम्हारे बगैर मेरे घर की कोई तकरीब भला हुई है आज तक? ये तो है, कोई भी काम हो सबसे पहले मुझे बताना है, पड़ोसियों का हक सबसे पहले होता है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ही आपको ही बताएंगे। अच्छा आप छोड़े ये बातें, मिठाई खाएं। खाना? आज फिर सब्जी बना ली तुमने? जितने पैसे दे के जाते हो ना उसमें सब्जी बनेगी। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आजकल सब्जी भी महंगी हो गई है। ठीक कह रही है, दुकान में कुछ मुनाफा हो तो दूना घर में, सेल भी कम हो गई है और प्रॉफिट का तो मालूम ही नहीं होता। किसका फोन आ रहा है? किसका फोन आना है? आपकी बहन का फोन आ रहा है, सुबह से 100 फोन कर चुकी हैं, पैसे मांग रही होंगी अपने। मेरे पास भी आ रहा था, मैंने नहीं उठाया फोन। ठीक किया आपने, घर आए भुगतो मैं। अपनी बहन को ना खुद संभाले, खुद बात करें उनसे, सारे पैसे तो दे दिए उनके, 1 लाख तो बाकी बचा है। लो फिर फोन आ गया, क्या करूं? मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अच्छा फोन उठाओ, मेरा पूछा तो कह देना अभी दुकान से नहीं आया। उठा लूं। अस्सलाम वालेकुम सहरा बाजी। जी पता है मुझे, आएंगे तो बता दूंगी मैं। खुदा हाफिज़। झूठ बोल बोल के तंग आ गई हूँ मैं, बेजार कर दिया है मुझे, कुछ करते क्यों नहीं है? अरे एक दो दोस्तों से कहा हुआ है मैंने, इंशाल्लाह इंतजाम हो जाएगा तो दे दूंगा। कामरान अपनी बहन के पैसे ना उसके मुंह पे मारे, जान छुड़वाए मेरी, जिंदगी अजाब कर दी है इस कर्जे ने। शादी ब्याह की तैयारियों में इंसान ऐसे ही थक जाता है। हाँ ये तो है। कुलसुम आप ही ये देखें, ये बेल इसके साथ लगा लो, देखें कितनी अच्छी लग रही है। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, आजकल ऐसी चल भी रही है, मैं लगा दूं? हाँ लगाते। अरे तुम अपनी कुलसुम भाजी से काम ही करवाती रहोगी या चाय का भी पूछोगी? ओह अम्मी वो तो मैं भूल ही गई। कुलसुम आप ही आप बताएं, आप चाय लेंगी या मैं आपके लिए जूस बना के लाऊं? चाय। अच्छा पहले जरा मुझे जेवर के डब्बे निकाल के देके जाओ। जेवर? हाँ 4 सेट बनवाए पूरे उरूज की शादी के लिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तुम भी देखो। लाओ बेटा ये देखो, जल्दी से बना के लाओ बेटे। हाँ मैं बस 2 मिनट में। हाँ ये तो बहुत खूबसूरत है बाजी। और ये देखो ये वाला, ये भी? हाँ शाइस्ता बाजी ये तो बहुत भारी लग रहा है। हाँ माशाल्लाह पूरे 4 तोले का है। और ये देखो 4 तोले, ये ना मैंने अपना सेट तुड़वा कर बनवाया है। ये तो बहुत खूबसूरत है बाजी, बहुत खूबसूरत।
और चूड़ियां ना उरूज के ददियाल से आ रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं तो कहती हूँ जैसा मेरी बच्ची का नसीब है ना, अल्लाह ताला हर बच्ची का नसीब ऐसा करे। सब चीजें माशाल्लाह अच्छे से अच्छी हो रही हैं। वैसे बाजी आजकल इतना जेवर कौन देता है? अरे ये तो सिर्फ हमारी तरफ से, उसके ससुराल वाले अलहदा से जेवर चढ़ाएंगे। बस अल्लाह का बड़ा करम है, उरूज के अब्बू ने कहा हमारी एक ही बेटी है, हम इसकी शादी पे हर चीज बेहतरीन से बेहतरीन करेंगे, बस कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये दुपट्टा तुम कर लोगी आज? कुलसुम, वो मैं पूछी थी दुपट्टा तुम कर लोगी आज शाम तक? जी बाजी, ये तो खत्म करके ही जाऊंगी। ठीक है, वैसे ना तुम्हारे आने से मुझे बहुत ही आराम मिल जाता है, मेरे बहुत सारे काम तुम कर देती हो। अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो बिल्कुल तुम जैसी होती। कामरान, मैं तुम्हारे भाई को समझा समझा कर थक गई हूँ, मगर उन्होंने एक ही रट लगा रखी है, उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए बस। मैंने इनकार कब किया है आपा? तो वैसे भी आपके जितने पैसे थे लौटा तो चुका हूँ मैं, बस 1 लाख रुपए रह गए। तो ये 1 लाख भी वापस कर दो ना, क्यों इतने से पैसों के लिए मुझे अपने भाई साहब से रोजाना जलील करवा रहे हो तुम? अरे मैं अपनी पूरी कोशिश में लगा तो हुआ हूँ, वैसे भी कारोबार के हालात सही नहीं है, अगर दुकान मेरी अच्छी चल रही होती तो कब के वापस कर चुका होता मैं। भाई मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारी दुकान में फायदा हो या नुकसान ये मेरा मसला नहीं है, मुझे मेरे मियाँ के पैसे वापस चाहिए बस। क्यों परेशान हो रही हैं आप? भागे थोड़ी जा रहे हैं आपके पैसे लेकर, कामरान आपके सगे भाई हैं, देर सवेर तो हो ही जाती है। देर सवेर नहीं, बहुत देर हो गई है, 6 महीने का वादा किया था तुम लोगों ने, यहाँ पूरा साल होने को आ गया है। मैं जानती हूँ तुम लोग कहीं नहीं भाग सकते, कामरान मेरा छोटा भाई है, मगर तुम लोगों को भी एहसास होना चाहिए ना, अगले इंसान की भी तो मजबूरियाँ होती हैं। इसी बात को लेकर रोजाना मेरे घर में झगड़ा होता है तुम्हारे भाई साहब से। अच्छा ठीक है, आप अपने घर का माहौल खराब नहीं करें, आप चाय पिए, ठंडी हो रही है, मैं देखता हूँ। बाजी आप अकेले आई हैं, बच्चों को भी साथ ही ले आती हैं? अरे बच्चों के तो एग्जाम चल रहे हैं, अगली बार आऊंगी तो ले आऊंगी अपने साथ। और आपकी सास की तबीयत कैसी है? उनका तो कुछ भी ना पूछो, कुछ भी नहीं पता चलता तबीयत का, अचानक रात बिरात खराब हो जाती है, रात रात लेके अस्पताल जाना पड़ता है, क्या बताऊं तुम्हें। तुम लोग भी चक्कर लगाओ ना किसी दिन मेरे घर। रहने दे आपा, जब भी आपके घर आओ तो भाई साहब का मुंह बना रहता है, हर वक्त पैसों का तकाजा लेकर बैठ जाते हैं, शर्मिंदगी होती है मुझे। तो इसीलिए तो कह रही हूँ कि जितना जल्द हो सके उनके पैसे वापस कर दो, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। इंसान को उधार लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, अगर वक्त पर पैसे वापस कर दोगे ना इंसान की इज्जत रह जाती है। मुझे देर होगी, मैं चलती हूँ। सामान आ गया है, क्या सोच रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तुम शौकत भाई से बात करो ना, उरूज की शादी में लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, 1 लाख तो उधार दे ही देंगे तुम्हें। अच्छा नहीं लगता, लेकिन घर की शादी है, उल्टा कुछ देने के बजाय हम उनसे मांग रहे हैं। मैं बात कर लूं शायद सबाजी से, मुझे पता है मना कर देंगे वो, वैसे भी उनकी बेटी की शादी है, ज्यादा जरूरत होगी उन्हें। अरे अब बस भी कर दो भाई, चलो मैं तुम्हारे बालों में तेल लगाऊं। उफ़ अम्मी, मास्क लगाया हुआ है, तेल कैसे लगाऊं? क्या हो गया, हालत देखी अपने बालों की, कितने दिन रह गए शादी में अभी, और तुम बस अपने चेहरे पर ही ध्यान देती रहना, बालों की कुछ फिक्र मत करना, लड़कियों की खूबसूरती उनके चेहरे से ज्यादा उनके घने बालों से होती है। अरे मैं लतीफा सुना रही हूँ तुम्हें कोई? उफ़ अम्मी, अब बात ही ऐसे करती है, अब देखे ना आजकल की लड़कियों के बाल नहीं देखे जाते बल्कि उनके चेहरे देखे जाते हैं, और वैसे भी लंबे बालों का जमाना ही कब है। हाँ ठीक कह रही हो, मुझे याद है जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो तुम्हारी नानी अम्मा पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियां और आमले और रीठे मेरे बालों में लगा देती थी ताकि मेरे बाल लंबे और घने हो जाए। और एक तुम हो आजकल की लड़कियां, अपने बालों से ज्यादा अपने चेहरे पर ध्यान देती हो, पता नहीं क्या आला भला लगाती रहती हो। अम्मी आला भला नहीं, मास्क है, आपको पता है कितनी अच्छी स्किन होती है इससे। शाइस्ता बाजी, शायस्तवा जी। हाँ हाँ, क्या हो गया, इतनी घबराई भी क्यों, बैठो। आपको पता है रशीद भाई के घर में डकैती हो गई है, दिन दिहाड़े सब कुछ लूट कर ले गए, घर ऐसे फैला हुआ था जैसे पता नहीं क्या हो गया उनके घर में। ये क्या कह रही हो तुम, कब हुई चोरी? वहीं से तो आ रही हूँ मैं। तोबा तोबा, सारा जेवर कैश सब कुछ डाकू लूट कर ले गए,
उनकी बहू तो ऐसे रो रही थी जैसे उनके घर में खुदा ना खास्ता कोई मैयत हो गई है। उफ़ो कुलसुम आपी, बोलने से पहले सोच तो लिया करो, अल्लाह ना करे ऐसा हो किसी के साथ। तुम देखोगी ना तुम भी यही कहोगी, हाय बेचारे रशीद भाई, जिंदगी भर की जमा पूंजी डाकू लूट कर ले गए। एक गिलास पानी पिला दोगी? जी आपी, अभी लेकर आती। एक बात कहूं, वैसे आपका घर भी शादी वाला है, खुदा ना खास्ता कहीं आपके घर भी। अल्लाह ना करे जो ऐसा कुछ हो। मैं तो आपको अपना समझती हूँ ना, इसीलिए मशवरा दे दिया। आप एक काम क्यों नहीं करती, उरूज का सारा जेवर किसी भरोसे वाले के घर रखवा दें, जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। आपको पता है रशीद भाई के घर में डकैती हो गई है, दिन दिहाड़े सब कुछ लूट कर ले गए। दूर दूर तक पूरे महल्ले को पता है कि इस घर में शादी हो रही है, खुदा ना खास्ता कहीं आपके घर भी। नहीं नहीं, क्या हो गया तुम, जाग रही हो अब तक? लाइट तो बंद कर दो, आंखों में रोशनी पड़ रही, नींद नहीं। हाँ कर दूंगी थोड़ी देर में, आप सो जाए। शौकत, 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 कहाँ गई थी इस वक्त? मैं जरा बाहर गई थी, ऐसा लगा जैसे घर में कोई आ गया था। ये क्या पागल हो गई, उस वक्त घर में कौन आएगा? बर्तन गिरने की आवाज आई थी मुझे। बिल्ली होगी कोई, सो जाओ। शायस्ता क्या हो गया है, इतनी रात गए अलमारी खोले क्यों खड़ी हो? हो आपको क्या है, आप सो जाएं ना, मुझे जरा काम है। हद हो गई है, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। अम्मी आपकी चाय। हाँ अम्मी आपकी चाय ठंडी हो रही है, क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अरे भाई तुम्हारी अम्मी रात भर ना खुद सोई है ना मुझे सोने दिए, सारी रात पूछता रहा हूँ क्या हो गया बता दो, कुछ नहीं बता रही। आपको नहीं पता कि क्या हो गया, इतनी बड़ी चोरी हुई है हमारे मोहल्ले में। पता है? कितने इत्मीनान से कह रहे हैं कि पता है मुझे, ये तो रातों की नींद उड़ गई है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शौकत अम्मी आप क्यों परेशान हो रही हैं, इतने सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हैं, पहले तो इस तरह कभी नहीं हुआ। बेटा मुसीबत बताकर नहीं आती है, सारे मोहल्ले को पता है कि हमारे घर में शादी है, शादी वाला घर है ये, अगर अल्लाह ना करे कोई हमारे घर में भी। तो तुम क्या चाहती हो, हम शादी तक घर चेंज कर लें कहीं और शिफ्ट हो जाएं? नहीं मैं ये नहीं कह रही, मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना हम
इसकी शादी का सारा जेवर कहीं रखवा दें संभाल कर। ओ शाइस्ता, तुम बिला वजह की टेंशन ले रही हो। अबू अगर अम्मी कहीं और जेवर रखवाना चाहती है तो उन्हें रखवा दे, इस तरह उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। चलो भाई ठीक, तुम ऐसा करो मुझे दे दो जेवर, मैं अम्मा के यहाँ रखवा के आ जाता हूँ। नहीं नहीं, आपकी अम्मा का घर 1 घंटे के फासले पे है यहाँ से, अगर रास्ते में ले जाते हुए खुदा ना खास्ता किसी ने छीन लिया तो। हद करती हो। मैं दरअसल ये सोच रही थी कि हम ये सारा जेवर कुलसूम के पास रखवा देते हैं, भरोसे वाली है वो, बहुत बहुत प्यार करती है हमसे। अच्छा भाई आपकी जो मर्जी आए कीजिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो गई ऑलरेडी दफ्तर से। आ रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता बाजी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो कुलसूम? मैं ठीक हूँ, कैसे आना हुआ? आप कोई काम था तो मुझे ही बुला लेती, मैं आ जाती। वो दरअसल ना मैं ये जेवर तुम्हारे पास रखवाना चाहती हूँ कुलसूम, तुम्हारे अलावा मुझे किसी और पर भरोसा नहीं है। मैं शादी से 1-2 दिन पहले ले जाऊंगी तुमसे वापस, ये रख लोगी संभाल कर? ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ बेफिक्र रहें, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखूंगी इन जेवरों का मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, संभाल कर रखना। हाँ चलो मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जाएंगी, इतने दिन बाद आई हैं, मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, वो घर पर इतने मेहमान आए, मैं शादी का घर है, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं अभी चलती हूँ, बाद में चाय पी लूंगी। ठीक है आपकी मर्जी, लेकिन मैं खुद चक्कर लगाऊंगी, कोई भी काम हो मुझे बताइएगा। तुम बहुत अच्छी हो कुलसूम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, कृपया संभाल के रखना। हाँ आप बेफिक्र रहें। क्या करूं, अल्लाह तुम जैसा भाई किसी दुश्मन को भी ना दे। तुमने मुझे अपने भाई साहब की नजरों में गिरा दिया है। तुम्हें पता है मेरा कल उनके साथ कितना बड़ा झगड़ा हुआ है। मैंने आपसे कहा तो है मुझे 1 हफ्ता दीजिए, 1 हफ्ते के बाद लौटा दूंगा आपके पैसे मैं। बस कर दो कामरान, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है? कितने दिनों से तुम 1 हफ्ता 1 महीना किए जा रहे हो। तुम लोगों को पता है मेरी सास अस्पताल में, उनपे पैसे पानी की तरह लग रहे हैं, हम लोग किस कदर परेशानी में है। और आज इन्होंने मुझे साफ कह के भेजा है कि पैसे हो तो घर आना, वरना आने की जरूरत नहीं। अब परेशान क्यों हो रही हैं? कामरान बात कर लेंगे भाईजान से। अरे ये क्या बात करेगा, इसी की वजह तो हुआ ये सब। अगर ये मुझे वक्त पर पैसे दे देता तो आज ये दिन देखना पड़ता, ये नौबत आती। वैसे बाजी आपके इस तरह चिल्लाने से आपके पैसे वापस नहीं आ जाएंगे। चुप रहकर भी देख लिया है मैंने। बस कामरान मैं कुछ नहीं जानती, मेरी बात कान खुलकर सुन लो, तुम बैंक लूटो चोरी करो या ढाका डालो, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए बस। अच्छा ठीक है, आप रोना बंद कीजिए और अपने घर जाइए, मैं मुझे 2 दिन का टाइम दे दें, मैं 2 दिन के बाद आपके घर खुद देने आता हूँ पैसे, ठीक है? कामरान देख लो बेटा, इस बार मुझे रुसवा ना करना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया ना तो मैं सच कह रही हूँ, हमारा जो रिश्ता है ना बहन भाई का, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पापा मैंने आपसे कहा है ना मुझे 2 दिन दीजिए, मैं लौटाने आता हूँ पैसे आपके पास, ठीक है? इनके लिए चाय ले आओ, परेशान। मैं चाय लेती हूँ। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, हमारा मुल्क है बहुत खूबसूरत, पाकिस्तान टूर पे जाने को ना मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है, तुम पहले ही बता देती साथ ही चली जाती तुम्हारे। वैसे खर्चा कितना आएगा? अच्छा चलो मैं बताती हूँ तुम्हें, बाद में बात करती हूँ।
इतनी देर से आए हो घर? आप आगे घर गया था, पैसे देकर आया। पैसे दे दिए? शुक्र है, ये बोझ तो उतरा। कामरान, घूमने चलें? कहाँ घूमने? मेरी दोस्त है ना बचपन की, नबीला, वो जा रही है पाकिस्तान टूर पे, भी चलें उसके साथ। पाकिस्तान टूर पर? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हाँ, अभी इतनी मुश्किल से आपा कर्ज अदा किया और तुम्हें पाकिस्तान टूर पर जाने की सोच रही है? मालूम है कितने पैसे लगेंगे? हाँ, 1,00,000 रुपए से ज्यादा लगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे? अच्छा ठीक है, पैसे आ जाएंगे तब तो चलोगे ना, बोलो। हाँ तो बस ठीक है, मालूम है कितने पैसे लगेंगे? हाँ, 1,00,000 रुपए से ज्यादा लगेंगे, कहां से आएंगे इतने पैसे? अरे पैसे, आपने मुझसे वादा किया था ना पैसे आ जाएंगे तो मुझे पाकिस्तान टूर पर लेकर चलेंगे। अगर ये इतने सारे पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? वो कमेटी डाली थी ना मैंने, वही खुली है। वैसे तो 4 महीने बाद मिलनी थी, लेकिन मैंने उससे बहुत मिन्नतें की तभी जाकर दिए उसने मुझे। हैरत है यार, तो पापा को पैसे देने के लिए मैं इतना परेशान था, जब क्यों नहीं बताया मुझे इस कमेटी के बारे में तुमने? मुझे क्या पता था वो मुझे दे देगी इस महीने। अच्छा ना, मूड मत खराब करो, नबीला को पैसे देकर आऊं कि टिकटें बुक करवा दे? ठीक है भाई, जो मर्जी आए करो, वैसे भी कौन सा सुनती हो तुम मेरी। ठीक है, ये लीजिए बाजी, आपकी अमानत। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कुलसुम। पता है कुलसुम, तुमने मेरा ये सारा सामान अपने पास रखकर ना मेरी बहुत बड़ी टेंशन दूर कर दी थी। अच्छा मैं अब चलती हूँ। अरे बैठो ना, क्या हो गया, चाय पी कर जाना। कामरान आ जाएंगे तो बिलावजह नाराज होंगे अगर मैं घर में नहीं मिली तो। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। कुलसुम, 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 बात सुनो, इसमें एक हार नहीं है। कौन सा हार? ये इस सेट का हार। मुझे क्या पता इसमें हार है या नहीं, मैंने तो खोलकर देखा तक नहीं कि इसमें क्या है और क्या नहीं। आपने जैसे मुझे दिए मैंने रख दिए और उठाकर ले आई। ऐसा कैसे हो सकता है कुलसुम, मैंने अच्छी तरह देखकर तुम्हें दिए थे, इसमें हार था। आप बोल रही होंगी आपने कहीं और रख दिया होगा। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है इसमें हार मौजूद था। ये इतना महंगा सेट है, मैं ऐसी लापरवाही नहीं कर सकती। मुझे क्या पता आपने लापरवाही की है या नहीं, मैंने आपसे कहा ना, आपने मुझे जैसे दिए वैसे मैं उठा कर ले आई, मैंने तो देखा तक नहीं, आपके मुझे चोर समझती हैं। नहीं नहीं सुन, मेरा कहने का ये मकसद नहीं है, तुम अपने घर जाकर देखो, हो सकता है तुमने जहाँ रखा हो वहाँ गिर गया हो। मैं अच्छी तरह देख कर ही लाई हूँ, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत की है मैंने आपके जेवरात की, और आप मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है भाई,
एक तो मैंने आपके साथ हमदर्दी की, आपके इतने कीमती जेवरात संभाल कर रखे, अपनी जान पर खेल कर, रातों को सोती नहीं थी मैं टेंशन में, उल्टा आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। क्या हो रहा है सर? वो शौकत, मैंने ये जेवरात कुलसूम के, मैं बताती हूँ शौकत भाई, बाजी को लगता है कि मैं चोर हूँ, इन्होंने जो अमानत मेरे पास रखवाई थी मैंने उस पर खयानत की है, इनको लगता है कि मैंने उरूज का हार चुरा लिया है, ऐसे आपने किसी रिश्ते का ख्याल नहीं किया, किसी रिश्ते का ख्याल नहीं किया कि मैंने आप लोगों के साथ कितनी हमदर्दियां की हुई हैं, कितना अपना समझा था मैंने आप लोगों को, या अल्लाह जमीन भर जाए और मैं उसमें समा जाऊं, जिसे मैंने अपनी सगी बहनों से ज्यादा समझा आज उसी ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया। सही कहते हैं भाई, सही कहते हैं कि भलाई का नेकी का कोई जमाना नहीं है आजकल, बस अपनी अपनी देखो। क्या बात कर रही हो, जितना शोर मैंने मचाया है ना, उससे तो कोई भी आसपास होता ना सच्ची समझता मुझे। अब तो शाबाश दो मेरी जहानत को, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इसी हफ्ते जा रही हूँ पाकिस्तान टूर पे, पिक्चर्स भेजूंगी तुम्हें। अच्छा चलो, बहुत सारे काम है, बाद में बात करती हूँ तुमसे। मेरी कमर टूट गई, मेरी टांग टूट। क्या हो गया कुलसुम? कुलसुम क्या हुआ? क्या हुआ? आगे बोलो कुलसुम, कुलसुम होश में आओ, कुलसुम क्या हुआ है? कुलसुम, कुलसुम होश में आओ, कुलसुम। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम सलाम। कैसी हो कुलसुम? जिंदा हूँ, मोहताज हो गई हूँ, पता नहीं कब तक ऐसी हालत रहेगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह बेहतर करे, तुम्हें सेहत दे। तुम्हारे एक्सीडेंट का पता चला था मुझे, लेकिन मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकी अस्पताल शादी की वजह से। बस अब फारिग हुई थी तो सोचा कि तुम्हारी आयादत कराऊं। चलती हूं मैं। आपके जेवर मैंने, मुझे मालूम है कुलसुम, मेरा हार गायब नहीं हुआ था, बल्कि तुमने जानबूझकर अमानत में खयानत की थी। कुलसुम, ये शाइस्ता बाजी क्या कह रही हैं? मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मेरा रब फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह और रसूल के साथ खयानत ना करो और ना ही जानबूझकर अमानतों में खयानत करो। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। शायद इसी की सजा मिली है तुम्हें। इंसान चाहे कितनी भी चालें चल ले, अगर जब मेरा रब तदबीर करता है ना, तो सारी चालें बदल कर रख देता है। बेशक मेरा रब बहुत बुलंद और बड़ा रहम करने वाला। मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे।
मुझे माफ कर दे।